जी भाई पूछो भाई। हाँ काम के लिए हमें बनाई एप्लीकेशन उसको वहां पे जाके इंप्लीमेंट कर देते कि भाई यूज करें आप बाहर बिल्कुल से। सही। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे ले जाना। प्रोडक्शन मतलब जहां पे वो हाँ यूज बिल्कुल हो, सही है। एक्चुअली यूज हो। क्योंकि देखिए आप तो अपना बनाते हैं, उसको रन करते हैं, डीबग करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है, कोड वगैरह लेते हाँ हैं, लेकिन एग्जैक्ट जहाँ यूज होनी है वो एप्लीकेशन, बेसिकली वो जो है ना जगह, वो प्रोडक्शन सर्वर कहलाता है। तो हम अपनी एप्लीकेशंस को डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से ले जाते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। अच्छा, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे ले जाने के लिए दो तो तीन तरीके से डिप्लॉयमेंट होती है। एक रहती है एक्स कॉपी डिप्लॉयमेंट। एक्स कॉपी डॉस में एक कमांड होती थी एक्स कॉपी, उसी से इसका नाम रखा है एक्स कॉपी। क्या मतलब एक्स कॉपी का? कि आप अपने पास से फाइल्स एंड फोल्डर्स उठाएं एज इट इज और उठा के उसके वेब सर्वर के अंदर फेंक दें, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के प्रोडक्शन सर्वर के वेब सर्वर में फेंक दें, ठीक है। ये कहलाती है आपकी एक्स कॉपी डिप्लॉयमेंट। रिकॉर्डिंग जैसे शुरू कर दो। हाँ रिकॉर्डिंग में शुरू है, बंद कर दूँ? SSCG ये है वेबसाइट 5, ठीक है। अब आपने क्या करा, इस पूरी वेबसाइट पे जो भी वेब एप्लीकेशन है, जैसे ये है वेब एप्लीकेशन, ठीक है, अब इसमें आओ, अंदर जाओ, ये है फोल्डर, एग्जैक्ट फोल्डर ना। आपने क्या करा, इसको उठाया, कॉपी किया। अच्छा, आपका जो वेब सर्वर है, IIS जो वेब सर्वर है, उसका जो डिफॉल्ट रूट है वही है, उसका जो डिफॉल्ट पाथ है ना, /initpub/www root। आपका जो IIS है ना, उसका ये डिफॉल्ट जो है ना रूट पाथ है। आप यहाँ लाके पेस्ट कर दें, ये कहलाती है एक्स कॉपी डिप्लॉयमेंट। अच्छा, एक्स कॉपी डिप्लॉयमेंट के लिए आपके पास एक चीज होती है, मतलब एक्स कॉपी डिप्लॉयमेंट के बाद एक चीज होती है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर, IIS। अच्छा, मैंने सारी चीजें सेलेक्ट करी हुई है अपने पास, जब IIS अपडेट जाता है तो सारी चीजें आ रही है। आपके पास इतनी सारी चीज़ें नहीं आएंगी, आपके पास आएगा कम चीज़ें आएंगी। डेस्कटॉप में गए, साइट्स में गए। आज कौन कौन जा रहा है एंड्रॉइड के सेमिनार में? कितने बजे? हाँ, 1 बजे। हाँ, कहाँ पर है? तो आप भी जाओगे ना? अच्छा, नहीं जाके दो सवाल पूछ लेना मेरी तरफ से। अच्छा हाँ, पीएचपी क्लास नहीं होगी आज, पर नहीं आएंगे तो खत्म होगी वो ना। PHP इस सवाल का टाइम आ गया, मेरा फुल टेंशन चल रहा मैं आपको पौने तक खत्म कर दूंगा क्योंकि उसको जाना है ना एंड्रॉइड में, मैं तो पौने पर खत्म कर दूंगा। बुलाया भी खैर, नहीं मैं समझा ही रहा था, कहना ही चाह रहा था कि क्वेश्चन। आप में जाके ना दो सवाल पूछते हैं कि सर आप कौन से एंड्रॉइड के वर्जन के लिए पढ़ाएंगे, उसी सवाल पूछूंगा। कौन से एंड्रॉइड वर्जन के लिए आप जो कोर्स पढ़ाएंगे वो किस एंड्रॉइड वर्जन के ऊपर जो ना वो कोर्स चलेगा या रन होगा या सपोर्ट करेगा, फिर आप देखिएगा, फिर की घूमेंगे फिर वो वही यार 6.0। आई थिंक कि शायद नहीं, अभी मुझे कोई बताया था बैनर में भी शायद उन्होंने ये लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, बैनर में लिखा है कि कुछ इस नहीं है। 4 एंड्रॉइड 6.0 मार्शमेलो, कुछ ऐसे कुछ कहानी लिखी है।
कितने वर्जन है एंड्रॉइड का? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कोई तकरीबन हो गई है 3 दिन 4 दिन 9 दिन 12 13 वर्जन। 13 तो ये वर्जन है। अच्छा, ये वर्जन्स को जो ना अपने पॉइंट्स में भी गिनते हैं, 5.1, 5.0, 4.4, ठीक है सर, और 4.4.1, 4.4.0 सर, तो कुछ 40 से ज़्यादा वर्जन है इनके। आपको पता है कि आपने जो एप्लीकेशन आज बनाई है एंड्रॉइड 6 के लिए, वो एंड्रॉइड 2.2 पर नहीं चलेगी, या 4.0 या 4.4 पर नहीं चलेगी, या 5.1 पर नहीं, या 5.0 पर नहीं चलेगी, ठीक है? तो बस ये सवाल पूछ लेना, मासूमाना सा सवाल पूछ लेना कि सर वो जो आप कोर्स पढ़ा रहे हैं ये कौन से एंड्रॉयड पे चलेगा। अच्छा, वो बोलेंगे यार सब पे चलेगा, तो बोला कौन सी कंपनी का एंड्रॉयड पे चलेगा? हवावे पे चलेगा, सैमसंग पे चलेगा, सोनी पे चलेगा, एलजी पे चलेगा, क्योंकि हर डिवाइस ने, जो हर कंपनी है, हर वेंडर है, हर मेकर है, उसने अपनी इम्प्लीमेंटेशन दी है। मेरा हवावे 6 पे अपडेट नहीं हो रहा जब तक हवावे कंपनी खुद इटसेल्फ इसका वर्जन नहीं निकालती है, एंड्रॉइड 6 फॉर हवावे मेट 7, हवावे मेट 7। मेट 8 के लिए अलग निकालेगी, P6 के लिए अलग निकालेगी, ठीक है, एसेंट के लिए अलग निकालेगी। बात समझ में आ रही है? तो कितने आप सोचो डिवाइसेस हैं, कितने मेक्स हैं और कितने मॉडल्स हैं, और हर पे एंड्रॉयड अलग है, और हर के लिए उसकी जो है ना एंड्रॉयड के लिए इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। और वो कह दे अगर जो भी है, क्या नाम है ट्रेनर का, निशान, कौन निशान भी होंगे और दिया सर भी होंगे। है दिशान? निशान सर होते हैं यहाँ, एडमिन मेरे यहाँ होते स्टूडेंट हैं है यहाँ भाई, पे। होने यार स्टूडेंट, उससे सवाल पूछ लेना, बस पूछना है आज ये है, मैं पूछने की आप ये पूछ लेना, फिर मजा आएगा, तो फिर आपको सेमिनार में मजा आएगा ना, सेमिनार में थोड़ी आग लगेगी। वो अगर कह रहे हैं वो जब लाइव चेक दे रहे हैं यहाँ से, फिर झूठे वो सारे उनको जैसे पैदा नहीं कर पाएंगे ना, मतलब ये आपने तो होना नहीं है वहां पे। आप ये सुनना चाह रहे थे मुझसे, मैं उसको कहना कह मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने कहा नहीं, आपने पूछ ले, मैंने इसलिए जवाब दे दिया। मैंने अगर मैं ये नहीं कहने लगा था, अगर ये कोई कह दे कि हम जो पढ़ाएंगे या जो हम जो बनाएंगे एप्लीकेशन वो तमाम एंड्रॉइड पर चलेगी, तो वो झूठ बोल रहे हो। ऐसी पब्लिक होगी वो तो मान जाएंगे ना, तब सर सही कह रहे हैं आप। पता नहीं होगा ना लोगों को, ये तो मान जाएंगे, ये तो आप मेरे पूछोगे ना तो वो जज्बे से। जब थोड़े से जुजबुज होंगे ना, तो एवरेज खुद ही समझ जाएगी कि जो ना ये खुद कॉन्फिडेंट नहीं है जवाब में, या इनको खुद नहीं पता, या ये बताना नहीं चाह रहे। अरे सुबह भी भाई भाई आए थे एंड्रॉइड पढ़ने के लिए, आज फर्स्ट टाइम आया, मैंने आप कौन है कहने लगा, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं तो एंड्रॉइड का सेमिनार लेने आया था, जल्दी आके तो मैं आपकी क्लास में बैठ जाऊँ। उसका मैंने उसका दिमाग ठीक कर दिया। तो यही पहले सवाल उसको दिए, तो हो सकता है वो पूछ ले, लेकिन आपने वेट नहीं करना उसको पूछने का, ठीक है? आपने खुद के खुद ये दो सवाल फेंक देना उसको, निशान मुझे को, जाके आग लगा दी, है? तो जाके आग लगा दी आप एंजॉय करो ना, आपने बस थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाला आग में और पीछे होकर बैठ जाओ, और देखते होगा सीखता रहेगा चीजें। उसके बाद जो है वो आपके किसी सवाल का जवाब, या तो सवाल लेगा नहीं आपसे अगर आपने हाथ खड़ा किया, या फिर कोई जवाब नहीं देगा, जो भी ट्रेनर होगा वैसे। एनएनसी सेशन खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद और सवाल आता है, फिर मेरे टेढ़े मेरे सवाल आता है, अच्छा जी को नहीं सोचते। जी, ये आ गया, देखिए वेब एप्लीकेशन आ रहा है आपको किस में, डिफॉल्ट वेबसाइट में। अब मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एप्लीकेशन, क्योंकि ये ऑलरेडी वहां पड़ी हुई थी डब्ल्यू रूट में, तो यहां उठ के आ गई, मैंने इसको ओके किया। अब मेरी ये वेबसाइट क्या बन गई, वेब एप्लीकेशन बन गई, राइट क्लिक मैनेज एप्लीकेशन ब्राउज, ब्राउज करेंगे तो कहाँ खुलेगी, ब्राउजर में खुलेगी जारी बता। अच्छा, यहाँ एक चीज नोट करिएगा, डिफरेंस अलग अगर चल जाए, क्योंकि वो डिफॉल्ट पेज तो था हमेशा उसकी डायरेक्टरी में, तो बाय डिफॉल्ट वही खुलना चाहिए, नहीं खुला,
मेरे ख्याल में इसमें कोई डिफॉल्ट वेब पेज होगा नहीं, डिफॉल्ट पेज नहीं ना, यहाँ पे लिखा हुआ वेब फॉर्म 1.htpx। ये जो एरर आया ना, ये एरर नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। ये बता रहा है कि आप द वेब सर्वर इज कॉन्फिगर नॉट टू लिस्ट द कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी, यू आर बेसिकली एक्सेसिंग द डायरेक्टरी नॉट अ पेज। तो इस वजह से वो उसने कह दिया कि आप डायरेक्टरी ब्राउजिंग एक अलग चीज़ होती है, पेज ब्राउज करना एक अलग चीज़ होती है। तो बाई डिफॉल्ट वो समझा कि शायद आप डायरेक्टरी ब्राउज करना है। आ गया आपका पेज नजर आ गया सर, सिंपल, दैट इज एक्स प्रॉपर्टी प्लान। किसको ब्राउज? अच्छा, यहाँ ना फाइल नजर नहीं आती है, शायद नजर आती भी नहीं आती है, इस वजह से मैंने फाइल को ब्राउज नहीं किया था। ये विजुअल स्टूडियो नहीं है, ये IIS है, तो यहाँ तो सिर्फ एप्लीकेशन के लेवल तक दिखा रहा है, फोल्डर भी दिखा रहा है, लेकिन जो इस फोल्डर के रूट पे फाइलें पड़ी ना वो यहाँ नहीं दिखा रहा। अदरवाइज मैं उस पर राइट क्लिक करता और ब्राउज कर लेता। कितने कमांड चलाई है मैंने, एक कॉपी और एक मैंने उसको कन्वर्ट और एक ब्राउज। आपका वेब सर्वर में आपकी एप्लीकेशन जो है ना डिप्लॉय हो गई, इतना इजी है डिप्लॉयमेंट। लेकिन इसके लिए आपके पास IIS होना चाहिए, और IIS आपके पास विंडोज में जाए, अब आप लोगों के पास वो नहीं होगा, IIS नहीं होगा ना, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। Turn Windows features on and off. इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, इस पर आप चेक लगा रहे। अच्छा, मैंने FTP सर्वर भी कर दिया, सारे चेक लगा दिए थे, IIS6 की कंपैटिबिलिटी के चेक और ये सारे सिक्योरिटी पेक्योरिटी के चेक। तो इस वजह से वो मेरा IIS काफ़ी लोडेड है। अदरवाइज आप इंटरनेट पे कोई भी आर्टिकल सर्च कर लीजिएगा तो सिर्फ वही चेक्स खोलिएगा, बाकी चेक्स नहीं खोलिएगा। एप्लीकेशन हार हुई, हार ऐसे हमने काम से उठाई थी एप्लीकेशन, यहाँ से उठाई अच्छा, इसमें एक मसला था, ये जो एक्स कॉपी डिप्लॉयमेंट करी है, इसमें एक मसला ये था, मेरा सोर्स कोड चला गया प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ना, वेब सर्वर पर। अच्छा जी, फोल्डर को क्यों खोला? क्या आप उस पर राइट क्लिक करें?
इस प्रोजेक्ट पे वो वाले पे नहीं, वेब सर्विस वाले पे हम रिप्लाई नहीं कर रहे। एक चीज है पब्लिश, पब्लिश का क्या मतलब है? फिर देखना कौन है तो जी, उसको बोला तूने यही खड़ा के सारा काम करना है क्या? अच्छा जी, इम्पोर्ट प्रोफाइल अगर इम्पोर्ट कर लें, विंडोज अजूर पे करना चाहें, वेब एप्स पे करना चाहें, कस्टम करते हैं। कस्टम में मैंने कहा आतिफ, प्रोफाइल का नाम आतिफ, और इसको ओके कर दिया। अच्छा, कौन सा डिप्लॉय करना है? डायरेक्ट वेब डिप्लॉय, डायरेक्ट आईएएस में फेंकना है, पैकेज बना के फेंकना है, यानी कि डिप्लॉयमेंट पैकेज बन जाएगा, जिसको नेक्स्ट 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 फिनिश करेगा उसके आईएएस में डिप्लॉय हो जाएगा। एफटीपी सर्वर पे अपलोड करना है डायरेक्ट, या फाइल सिस्टम पे? मैंने कहा फाइल सिस्टम पे कर दो। क्या रखो इसका पाथ? ई कॉलन स्लैश वेब डिप्लॉयमेंट, वेब डिप्लॉय, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन द डेवलपमेंट एनवायरमेंट यू हैव द डीबग मोड, एंड ऑन द प्रोडक्शन एनवायरमेंट यू हैव द रिलीज मोड। रिलीज मतलब आपने रिलीज कर दिया, वर्जन रिलीज करते हैं ना, जैसे ये वो रिलीज है कि आपने वर्जन रिलीज किया, आप जो क्लाइंट पे फेंकेंगे, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में फेंकेंगे कोड अपना, वो रिलीज्ड वर्जन होगा। आपने कहा रिलीज, फाइल पब्लिश ऑप्शन में आप ये करें कि डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग फाइल प्रायर टू पब्लिश, मतलब अगर उस फोल्डर में जहां फेंकने जा रहे हैं वहां पर पहले से कुछ चीज पड़ी हो, सर उसको डिलीट कर दो। प्री कंपाइल ड्यूरिंग पब्लिशिंग, एक्सक्लूड फाइल फ्रॉम द एप डेटा फोल्डर, नहीं, क्योंकि ये डेटा फाइल एप डेटा के फोल्डर से फाइल एक्सक्लूड कर देगा, और ये प्री कंपाइल मतलब कि फुल कंपाइल नहीं होगी, इसके बाद इसमें चेंजेस का ऑप्शन होगा। नहीं, आपने कहा नहीं, इसको फुल पब्लिश करना है। नेक्स्ट, बन गई प्रोफाइल। नेक्स्ट, अब पब्लिश हो रहा ये देखें, ये आइकन आए तो एप्पल ही नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? ये कौन सा आइकन है वैसे, क्या बता रहे हैं? इसको नजर आ रहा है। या माउस है? ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वैसे वो केमिकल रिएक्शन नहीं कह रहे लेबोरेटरीज में। ये पढ़े क्या कह रहा है, ऐप वॉज सक्सेसफुली पब्लिश एट दिस। अच्छा, इस तरह से डायरेक्ट लेकर करने को कौन था? सर वो ऊपर टैच का काम चल रहा है, वॉशरूम वगैरह बन गया अच्छा, सर। आप आपका नाम काफी था सर, कैसा वाम बोलेंगे? सोलो अलग टॉक हो गया। हाँ वो कह रहे बस हो गया, वो थोड़ी का तो काम हो गया, वो टैच लगा था। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ कोड फाइल नजर आ रही है आपको, सीएस की फाइल? नहीं, इसको जाके खोल के देखें इसमें हुआ क्या। सेट टू ओपन, इस पे लगे कोई चीज चेंज नहीं हुई, सब कुछ वही है। एच टी एम एल करना, ठीक है। अच्छा, पीछे कोड फाइल नहीं है, और अपना कोड फाइल का रेफरेंस हो रहेगा, दोबारा कोड करता ना, कोड फाइल का रेफरेंस होगा, सिर्फ कोड बिहाइंड फाइल में यहाँ सी एस डाला हुआ, लेकिन सी एस की फाइल है नहीं यहाँ पे, तो सी एस की फाइल कहाँ है? बिन के फोल्डर में इसने क्या करा, इसकी डीएल बना दी, ठीक है। और इस डीएल की वजह से अब आप ये क्या करें कि ये उठाएं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, क्या करने जा रहा हूं अब, एक्स कॉपी करूंगा, कहां करूंगा? इसमें
एक तो सर्विस रेफरेंस कॉल हो रहा है, ये कंपाइलर्स की फाइलें इनकी जरूरत नहीं है, वैसे मुझे डिलीट करेगा कि इनके बारे चलेगा, क्योंकि थियोरेटिकली सिर्फ ये फाइलें इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा वो यहाँ बेसिकली .NET कंपाइलर का ऑप्शन जो है ना वो इनेबल हुआ है वेब कॉन्फिग के अंदर कोड टॉम में। अच्छा कुछ थोड़ी सी ना स्पेसिफिक चीजें, ये बाय द टाइम ही चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आएंगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये फर्स्ट टाइम मैंने एरर देखा है इस तरह का मैंने भी, लेकिन कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। अभी इसको हम ठीक कर लेते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैं इसको कोशिश करूँगा कि ठीक करने की, ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा कोड डाउन लगा हुआ जो विजुअल स्टूडियो ने लगा दिया है, लेकिन उसकी मुझे जरूरत नहीं थी। अच्छा मैंने किस कॉन्फ़िग फाइल में चेंज किया, मैंने ई में कर दिया सर, है यहाँ करना, ये भी कभी कभार ध्यान करिएगा कि चेंज कहीं और ना कर दिया। कंपाइलर्स कोड डाउन, कोड डाउन से मैंने उठाया, कहाँ गया कोड डाउन, मैंने ना कोड डाउन किया। एक और मसला, मसला ये है कि नोट पैड जो है ना वो उस फाइल को एडिट नहीं कर रहा, क्योंकि वो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हुआ हुआ, क्योंकि वो फाइल जो है ना वो वहाँ पड़ी हुई है सिक्योर लोकेशन के ऊपर। फिर मैं वेब डिप्लॉयमेंट में घुस गया, ऐसे नहीं बोलेगा ना, फाइल ओपन मैंने पहली दफ़ा ये एरर ठीक किया कोड डॉम का, मतलब वो कंपाइलर के उसने कोई चीज़ शामिल कर दी थी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी एट द टाइम ऑफ द डिप्लॉयमेंट। तो अगर आप ये देखोगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या है, इवन इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये जो पैकेजेस के नाम से एग्जाम्पल कॉन्फ़िगरेशन है ना, लेकिन हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते, ठीक है। ये सर्विस रेफरेंस इम्पोर्टेंट है और जो है बिन के फोल्डर में ये दिया डाले, और ये देखें आपकी एप्लीकेशन का साइज कितना छोटा हो जाएगा, 20 KB, 10 KB है एक्चुअल साइज, साइज के उसके ऊपर डेस्क के ऊपर 20 है अदरवाइज 10 है KB, किलो बाइट्स में एप्लीकेशन आपकी जो है ना बनी हुई है और पब्लिश हुई। बहुत ही तीर मार लेंगे ना आपकी एप्लीकेशन का साइज 100, 200, 300 KB तक चला जाएगा, इससे ज़्यादा बड़ा साइज नहीं बनेगा जब आप वेब पर डिप्लॉय कर देंगे अपनी एप्लीकेशन को। ये कहलाती है पब्लिश। अच्छा मैंने साथ साथ पब्लिश करने के साथ साथ मैंने आपको IIS में भी पब्लिश कर दिया डायरेक्टली, मैंने उसी को रिप्लेस कर दिया जो पुरानी डिप्लॉय करी थी, ताकि मुझे दोबारा IIS में ना बनाना पड़ा, अगर कोई नई बनानी पड़ती तो मैं एक और नई एप्लीकेशन बनाता। तीसरा एक और तरीका ये है कि INET मैनेजर में बजाय इसके कि आप इसको वहाँ जाके पब्लिश करते,
आप यहीं से जाके राइट क्लिक, ऐड एप्लीकेशन, फिजिकल पाथ, ई कॉलन स्लैश वेब डिप्लॉय, और यहाँ ए बी सी खत्म, ये भी एप्लीकेशन बन जाती है। और लिखते लोकल होस्ट स्लैश ABC खुले वेब डिप्लॉय में तो था ही वो ही ना पब्लिश का, वेब डिप्लॉय में तो पब्लिश किया था, पब्लिश किए हुए को उठा के हमने IIS में डाला था ना, ठीक है। हाँ आप जो फर्स्ट फाइल चाहते हैं ना आपके पेज आपके प्रोजेक्ट में हो, दैट शुड बी इधर डिफॉल्ट डॉट HTML और डिफॉल्ट डॉट HTML और इंडेक्स डॉट HTML और इंडेक्स डॉट ASPX, और एक और एक्सटेंशन होता है, डिफॉल्ट होता है, इंडेक्स होता है, या होम होता है शायद, होम डॉट HTML या होम डॉट ASPX। होता नहीं नजर आ जाए, तो ये आप खुद बताते हैं, मतलब इसमें बाय डिफॉल्ट 6 फाइलें होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं से होती है, वो सेटिंग में नजर भी आ जाती है वो, कि आपके पास डिफॉल्ट जो एप्लीकेशंस हैं उनके वो क्या है, एक्सटेंशंस उनके नाम क्या है। अगर आपने अपने IIS में ये बता दिया कि डिफॉल्ट जो है ना एप्लीकेशन या डिफॉल्ट पेजेस जो है ना ये भी हो सकते हैं ABC.index या ABC.html या ABC.asp, तो वो भी हो सकते हैं। देखें आपकी एप्लीकेशन में मैंने कहा ना ये तो वेब यूजर कंट्रोल बना पड़ा हुआ, अदरवाइज इसलिए पड़ी हुई है फाइल, या ये भी नहीं होगी आपके इस प्रोजेक्ट में, जो अभी उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है सिंपल, एक सिंपल वेब एप्लीकेशन का वेब पेज का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइल है वो ये है ASPX का पेज, दैट इज बेसिकली योर फ्रंट एंड, दैट इज योर प्रेजेंटेशन। ये है कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, वेब डॉट कॉन्फ़िग CONFIG, ठीक है, वेब डॉट कॉन्फ़िग, ये हार्ट है, दिल है आपके एप्लीकेशन के, इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन है, आपके एप्लीकेशन का वर्जन, कंपेटिबिलिटी, रेफरेंस, जो ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन जो जो एप्लीकेशन से रिलेटेड होगी ना वो वेब कॉन्फ़िग में पड़ी हुई होगी। ये वेब कॉन्फ़िग हर एप्लीकेशन की अपनी अपनी होती है, ठीक है। एक होती है ग्लोबल वेब डॉट कॉन्फ़िग, उसका नाम वेब डॉट कॉन्फ़िग नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए गया है, उसका नाम है मशीन डॉट कॉन्फ़िग, वो यहाँ नहीं होती, वो IIS के टॉप लेवल पे कहीं से विंडोज के अंदर कहीं पड़ी हुई होती है, उससे आपका कंसर्न नहीं होता, आपकी वेब कॉन्फ़िग मशीन डॉट कॉन्फ़िग को ओवरराइड करती है, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग मशीन डॉट कॉन्फ़िग में लिखी हुई है, सेशन का टाइम डिफॉल्ट 20 मिनट होगा, ये कहाँ लिखा होगा, वेब कॉन्फ़िग में या मशीन डॉट कॉन्फ़िग में, मशीन डॉट कॉन्फ़िग में लिखा हुआ है, आप लिखते हैं 20 नहीं होगा 40 होगा, अब क्या होगा, अब कितना होगा, 20 है 40, आप मशीन डॉट वेब डॉट कॉन्फ़िग में लिखते हैं 40, अब कितना होगा सचिन टाइम आउट, 20 है 40, 40 होगा, क्योंकि मशीन डॉट कॉन्फ़िग तो वेब सर्वर की है और आपकी वेब एप्लीकेशन ने उसको ओवरराइड किया है, अभी मैंने बताया ना ओवरराइड करेंगे, तो ये होता है मशीन डॉट कॉन्फ़िग। अगेन ये एग्जाम्पल की फाइल है, ठीक है, ये भी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है, डॉट कॉन्फ़िग की फाइल है,
सर्विस रेफरेंस, अगर मैं कोई मैंने वेब सर्विस कॉल की हुई है बेसिकली इसके पीछे, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं थी। और बिन के फोल्डर में ये सिर्फ DLL ये वाले। ये तो एप्लीकेशन जो डिप्लॉय के बाद आता है, तो वैसे तो हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो कन्वेंशन में एप्लीकेशन जो अगर आप ये विजुअल स्टूडियो में को देखना चाहते हो। जी वो फिजिकली जो फोल्डर जो है, अच्छा इसका फिजिकल फोल्डर। इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगेन ये WCF सर्विस है, उसका प्रोजेक्ट है। ये पैकेजेस यानी कि जो .NET का अभी जो डॉम नहीं ऐड हुआ हुआ था, ये डॉम आ रहा था वो उस वजह आ रहा था, और ये भी उसी वजह से है। ये हमारे नॉर्मल एप्लीकेशन में ये फोल्डर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इसमें सर्विस की वजह से ऐड हुआ था। हाँ चले सिंपल वाले में चलते हैं। नहीं ये तो विजुअल स्टूडियो कर रहा है, हर जगह देखो कर रहा है। ये कहीं से इनेबल डिसेबल होते होंगे यार, मुझे देखना पड़ेगा। ये है SLN की फाइल, विजुअल स्टूडियो सॉल्यूशन, इसका एक्सटेंशन है .SLN। SLN होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्यों कहते हैं इसको, ये आज से नहीं कह रहा मैं, 115 साल से कह रहा है सॉल्यूशन। आप अपने क्लाइंट को क्या देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं ना। अब वो सॉल्यूशन विजुअल स्टूडियो के अंदर भी सॉल्यूशन ही, माइक्रोसॉफ्ट को कह रहा है कि भाई ये सॉल्यूशन है। आप अच्छा सॉल्यूशन क्या होता है, आप क्या देते हैं सॉल्यूशन, क्या देते हैं अपने क्लाइंट को, एप्लीकेशन बना के देते हैं ना। एप्लीकेशंस कितनी एप्लीकेशन बना के देते हैं, एक एक एप्लीकेशन से उसका मसला हल हो जाता है, एक प्रोजेक्ट से एक एप्लीकेशन से उसका मसला हल हो जाता है। हाँ रिक्वायरमेंट हो सकता है, इससे मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकती है ना। इसका मतलब है यू मे हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स या और मल्टीपल एप्लीकेशन या वन वन सॉल्यूशन। यू मे सजेस्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट और मल्टीपल एप्लीकेशंस और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन योर वन सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से इस वेब एप्लीकेशन के अंदर देखेंगे आप, आएंगे अब आप आए ना, आपके देखेंगे प्रोजेक्ट खुल गए, बहुत सारे फाइलें खुल गई। एक फाइल है जिसका नाम है CS.PIPR, मुझे C#Project, ठीक है। अब एक और प्रोजेक्ट ऐड कर लेगा, एक और फाइल बनेगी SLN, एक रहेगी CS Project, मल्टीपल बनेंगे। दैट इज बेसिकली C#Project। विजुअल स्टूडियो में आप ये वाली प्रोजेक्ट की फाइल ज्यादा खोल सकते हैं, ये दोनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। आप विजुअल स्टूडियो खोलें, ओपन, क्या लिखा है, प्रोजेक्ट खोल लें या सॉल्यूशन, प्रोजेक्ट खोल लें। कौन से खड़े हुए हैं, टू में खड़े हुए हैं, वन में खड़े। आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट खोलना चाहें प्रोजेक्ट खोल लें, सॉल्यूशन खोलना चाहेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन खुल जाएगा। इस सॉल्यूशन में कितने प्रोजेक्ट हैं, दो हैं, एक है WCF सर्विस का प्रोजेक्ट और एक है वेब एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट। सिंपल, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं थी, सिंपल है ना। अच्छा अब आपने कहा ये खोलने जा रहा है, जैसे ये खोलेंगे तो अब सिर्फ ये खुलेगा, यहाँ से यहाँ प्राइवेट तक ये नहीं खुलेगा। ये आ गई फॉर्म की फाइल ASPX। ये इसका CS है, इसका ये डिजाइनर। डिजाइनर में क्या होता है, डिजाइनर में कोड बिहाइंड के भी जो कोड बिहाइंड होता है ना वो होता है, यानी कि आपकी जो कोड बिहाइंड की जो फाइल है CS की वो स्प्लिट हुई हुई टू के अंदर। पार्शल क्लास है ना, इसी क्लास प्लेटफॉर्म वन की दो क्लासेस हैं पार्शल। एक आपकी फाइल है जिसमें आप काम कर रहे थे, एक .NET ने बना के पीछे रखी हुई छुपा के। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, खाली है बस सन्नाटा हुआ हुआ। नॉर्मली होता है क्या, डिजाइनर से रिलेटेड जितना भी कोड होता है ना वो इसके अंदर आता है। डिजाइनर बोले तो
बटन की डेफिनेशन, टेक्स्ट बॉक्स की डेफिनेशन, जो भी आपने चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करी में, कंट्रोल्स वगैरह ड्रैग एंड ड्रॉप करे में, उसकी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन या इनिशियलाइजेशन जो है ना, वो इस फाइल में होती है। आप क्या करते हैं, यूज करते हैं? आप कॉल करते हैं, ठीक है? ये फाइलें समझ में आ गई? देखो हर फॉर्म के साथ दो तीन तीन फाइलें, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ये पढ़ता दिया मैंने आपको दोनों। अच्छा देखो यहाँ पे भी दो वेब आ रही हैं, और एक और ये ओरिजिनल वेब, ये जाएगी क्लाइंट पे, ये चलेगी आपके पास, और ये इसका रिलीज वर्जन है, ठीक है? पैकेजेस की फाइल, इसमें लिखते हैं लिखा हुआ क्या पैकेजेस में, मुझे तो स्टूडियो में नज़र आ रही पैकेजेस की फाइल। डायरेक्टली डायरेक्टली कॉल कर लेना। अगेन वही कोड डॉम लिखा हुआ है, मुझे कुछ असल में कंपैटिबिलिटी का वो चक्कर लग रहा है मुझे। प्रॉपर्टीज असेंबली इन्फो डॉट सी एस, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें असेंबली का मेटा डेटा है, डेटा अबाउट डेटा, यू कैन चेंज द इंफॉर्मेशन। अगर आपने कोई एक्सी बनाया है, सेटअप बनाया है, डिप्लॉयमेंट या पैकेज बनाया है, डीएल बनाई है, एक्सी बनाई है, और उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आप चेंज करना चाहते हैं असेंबली के बारे में, और असेंबली की इन्फॉर्मेशन कहाँ से देख सकते हैं? देखें आपको मैं बताता हूँ कहाँ देखेंगे। सारी जो असेंबली की इन्फॉर्मेशन है ना यहाँ जो आ रही है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका टाइप, उसका फाइल वर्जन, उसका प्रोडक्ट नेम। अच्छा चले वर्जन की बात कर लेते हैं, सिर्फ एक चीज उठा लेते हैं, 1.0.0.0, व्हाट इज दिस? आप डिप्लॉयमेंट पढ़ लें तो वर्जन भी पढ़ लेते थोड़े से, फर्स्ट वर्जन है फर्स्ट वर्जन फर्स्ट वर्जन। वाई 0.0.0 इफ इट इज द फर्स्ट वर्जन? कैसे? जीरो जीरो थर्ड तक एक जा सकता है। 1.001 2.001 का क्या मतलब हो गया? कि बहुत ही कोई माइनर चेंज हुआ है? क्यों नहीं, वर्जन वर्जन के नंबर में चेंज चेंजेस क्यों कर रहे हैं? माइनर जब भी कोई मतलब अपडेट करें, पैच चेंज या ऐसा कुछ होता है ना, तो फिर अपडेट हो सकता है। अच्छा एक लिखा हुआ है वन, वर्जनिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है ए वर्जनिंग को दो तरीके से काउंट करते हैं, चार तरीके से करते हैं, दो तरीके होते हैं मेजर वर्जनिंग के और दो तरीके होते हैं कुछ और चीज़ों के, टोटल मिला के चार बनते हैं, वर्जनिंग चार के ऊपर बनती है। वन है मेजर वर्जन, जो नंबर वन है ना वो डिनोट कर रहा है मेजर वर्जन को, 0.0 डिनोट कर रहा है माइनर वर्जन को, 0.0 डिनोट कर रहा है बिल्ड नंबर को, कि आपकी एप्लीकेशंस बिल्ड कितनी दफ़ा हुई है। देखें प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर प्रोजेक्ट को बिल्ड करना मतलब आपने इधर इधर से भी फाइल ले ली, इधर से भी फाइल ली, इधर से भी फाइल ली, सबको मिला के आपने एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया, ठीक है? सारे रिसोर्सेज को उसको प्रोजेक्ट बिल्ड करना कहते हैं, उसकी भी एक जो है ना कॉस्टिंग होती है। जब हम प्रोजेक्ट कॉस्टिंग करते हैं या प्रोजेक्ट एस्टिमेशन निकालते हैं, टाइम का या कॉस्ट का जो चीज़ें निकालते हैं, वहाँ पर प्रोजेक्ट को बिल्ड करना भी एक कॉस्ट है, ठीक है? तो वो भी निकलती है। इतनी कॉस्ट क्यों हो रही है, मतलब ये तो खुद ही बिल्ड कर रहा होता है ना इंटरनली। अच्छा हाँ बड़े अच्छे आपने पॉइंट बताया, क्या कह रहा है लास्ट? क्या रिवीजन आपने अपने प्रोजेक्ट को अपने रिकॉर्ड को कितनी दफा रिव्यू किया? और जो आपने बात करी ना सर, वो नीचे लिखी हुई है उसी लाइन के नीचे, यू कैन स्पेसिफाई ऑल द वैल्यूज और यू कैन डिफॉल्ट द रिवीजन एंड बिल्ड नंबर बाय यूजिंग द एस्टेरिक एस्ट्रिक, ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा था कि ये चीज़ बेसिकली वो कंट्रोल करती है, मैंने आप नहीं करते मैनेज, डिफॉल्ट चीज़ें चली जाती हैं।
ओबीजे में क्या पढ़ा हुआ है? अगेन ये डीबगिंग से रिलेटेड है, विजुअल स्टूडियो की सोर्स फाइल्स हैं, कैसे फाइल्स हैं, जब आप डीबगिंग करते हैं तो ये अपने पास कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है, लेकिन ये प्रोडक्शन पे नहीं जाती ये चीज़ें, ये आप हटा सकते हैं और इसको आपको इससे कंसर्न भी नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे वैसे हम जैसे सी प्लस प्लस का एक कॉन्सेप्ट था, उसके लिए डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट फाइल बनती है बिल्कुल ऐसे ही, बैकअप, तो ये वैसे ही है। ऐसे ही है। बिन में आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? दैट डीएलएल फाइल, ठीक है, बाकी सब बेकार की चीज़ें। तो ये बेसिकली ओवरव्यू था आपका जो है विजुअल स्टूडियो की फाइल सिस्टम है। जी सर, विंडो फॉर्म में इसी तरह होगा? विंडो फॉर्म तो और बहुत सिंपल है। आप क्या करते हैं विंडो फॉर्म्स में, जब हम एप्लीकेशन को कंपाइल करते हैं या F5 प्रेस करते हैं, रन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट बिन फोल्डर के अंदर जैसे यहाँ डीएलएल बनी ना, ऐसे वहाँ एक्जी फाइल बन जाती है। आप एक्जी उठाते हैं, एक्स कॉपी डिप्लॉयमेंट, यूज़र को पेस्ट मार देते हैं, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये कि सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट विजर्ड पर एक बनता है, वो आप बनाते हैं सेटअप डिप्लॉयमेंट विजर्ड। वो क्या करता है कि आपके एप्लीकेशन को उठा के उस सेटअप डिप्लॉयमेंट विजर्ड नेक्स्ट 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 फिनिश पैकेज बना देता है, सिंपल इज दैट। जिस तरीके से मैंने अभी आपको पब्लिश पे जो हाँ बनाया था, जो पब्लिश पे अपडेट कर रहे हैं जैसे पब्लिश में किया था ना, ऐसे ही वहाँ पे पब्लिश नहीं होता, वहाँ पे पब्लिश के जैसे ही चीज़ है, जिसको सेटअप डिप्लॉयमेंट कहते हैं। मैं जी भी तकरीबन 10 साल से ज़्यादा होगा उसको यूज़ किए हुए, मैं देखता हूँ शायद पता नहीं यहाँ कहीं हो ये प्रोजेक्ट। Enable install shield device। अच्छा ये अपनी गारंटी पे, हाँ मैंने कभी यूज नहीं किया, काफ़ी ऐसा चला चला नहीं चला नहीं चला, क्या हो गया? ओ क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये मेरे पास जो है ना वो इंस्टॉल नहीं है। अदरवाइज होगा कुछ भी नहीं, आप ये इसकी वेबसाइट पर जाइएगा, आपका दिल टूट जाएगा इस तरह, आप बंद करके वापस आ जाइए। इंटरनेट चल रहा ना मेरे पास। तो ये इंस्टॉलर शील्ड बेसिकली एक वही टूल है, जैसा जैसे क्रिस्टल रिपोर्ट एक टूल है और दूसरे टूल है, इसी तरीके से ये भी टूल है जो आपको अलाउ करेगा टू बिल्ड सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर योर डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड फॉर योर वेब एप्लीकेशन एज वेल। सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट जो अभी आपने पब्लिश किया ना, दैट इज द फाइल्स, दैट डेटा फाइल्स, दैट इज नॉट अ सेटअप। सेटअप बनाने के लिए आपको ये चलाना पड़ेगा इंस्टॉल शील्ड। तो कोई भी बंदा अगर बनाता है या उसको कोई छोटा सा आर्टिकल शार्टिकल मिलता है, इसके ऊपर ग्रुप पर डालता है ताकि सब लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि इंस्टॉल शील्ड कैसे यूज़ करते हैं। मुझे भी काफ़ी अर्सा हो गया, कोई 10 साल से ज़्यादा हो गए, हम जब भी मुझे याद तो था सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट के नाम से आता है उसमें, लेकिन ये नहीं याद था कि ये अब इन्होंने वो कर दिया है, ख़त्म कर दिया है विजुअल स्टूडियो के अंदर से। सॉरी इंस्टॉलर शील्ड के नाम से ना VB6 के ज़माने में ये थर्ड पार्टी था, अगर किसी ने VB6 पे काम किया या इंस्टॉलर शील्ड पे काम किया, इंस्टॉल शील्ड पे काम किया किया किसी ने? बता रहा बता रहा हूँ, वो तो आप करते थे ना मेगा एग्जी या फाइल में जाके करते थे, तो अगेन वो डेट वॉज द एक्स कॉपी डिप्लॉयमेंट, डेट वॉज नॉट द सेटलमेंट डिप्लॉयमेंट, वो सेटलमेंट थोड़ी था, वो तो सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट बनाने के लिए हमारे पास एक बंदा होता था जो इंस्टॉलर शील्ड का सॉफ्टवेयर खोलता था और उसमें हमारी कंपाइल की हुई एग्जी को बना के रख के और सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट का प्रोजेक्ट बना के और वो बना के देता, और क्लाइंट्स को नेक्स्ट 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 फिनिश करता था, क्लाइंट की बात इंस्टॉल हो जाता था। सर मैंने भी की थी पब्लिक, मतलब सेटअप फोल्डर पूरा बन गया था, तो इंस्टॉल शीट वगैरह कुछ यूज नहीं किया था, नॉर्मली पब्लिक सेट करके वो नॉर्मली जो एप्लीकेशन थी वो तो चल गई थी, लेकिन जो डेटाबेस वाली एप्लीकेशन थी वो
नहीं चल रही थी, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी, डेटाबेस नहीं आ रहा था, उसके लिए क्या एक्स्ट्रा मतलब डालना पड़ेगा क्लाइंट साइड पे? आप असल में जंप कर गए आगे, हम लोग तो अभी वहाँ आ रहे थे जहाँ आप ले गए बात को। अच्छा VB6 समझ में आ गया, VB6 में क्या मसले मसाइल थे? VB6 के बाद जब विजुअल स्टूडियो आया ना, तो विजुअल स्टूडियो में उन्होंने क्या करा, जैसे भाई बता रहे हैं सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट को ना बिल्ट इन कर दिया, ठीक है। लेकिन 2010 या उसके बाद इन्होंने क्या करा, वापस उसको अलग कर दिया, स्टॉल शीट जिस तरीके से, ये स्टॉल शीट जैसे क्रिस्टल रिपोर्ट है, इन्होंने शुरू में सब इंटीग्रेट कर दिया था, क्रिस्टल रिपोर्ट भी इंटीग्रेटेड थी 9.1 9.2 9 पॉइंट समथिंग तक, चलो वो इंटीग्रेटेड थी, सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट का प्रोजेक्ट भी इंटीग्रेटेड था। लेकिन बाद में इन्होंने इसको अलग कर दिया, अब ये कहता है कि जी आप ये फ्लेक्सरा सॉफ्टवेयर कंपनी कोई वहाँ का उनका इंस्टॉल शीट है, लेकिन अगेन लिमिटेड एडिशन है, जैसे क्रिस्टल रिपोर्ट भी अब लिमिटेड एडिशन है, बेसिक वर्जन होता है जो विजुअल स्टूडियो के अंदर होता है, और वो बेसिक वर्जन या जो ये जो बेसिक था या जो आप इस पर काम कर रहे थे वो जो बेसिक था उससे हमारे सारे के सारे काम हो जाते थे। क्या नहीं होते थे जो उन्होंने जवाब दिया, समझ में आ रही बात? सर फ्री में कुछ तो चीज़ें दी होंगी ना, सारी चीज़ें तो नहीं होंगी ना, तो इसी वजह से प्रॉब्लम्स आते थे। प्रॉब्लम्स क्या आते थे, अगर हम कोई एडवांस लेवल की कोई चीज़ करते थे, जैसे क्रिस्टल रिपोर्ट में भी अगर आप एक सब रिपोर्ट बनाएंगे ना तो बेसिक एडिशन अलाउ करेगा, ये बग बता रहा हूँ आपको चीज़ों के। इसी तरह इंस्टॉलर शीट में आपने बताया जैसे कि आपने बनाया, आपको मसला पता क्या था, उस पर डेटाबेस एडिशन का कोई ऑप्शन ही नहीं था, जिंदगी गुजार दी अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर, उसमें ऑप्शन ही नहीं था डेटाबेस एड करने का। या इवन चलो अभी एक और बड़े में, उसमें ये भी ऑप्शन नहीं था कि अगर आपने कहा कि यार ये डिपार्टमेंट के साथ साथ मेरा डॉट नेट फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल हो जाए क्लाइंट पे, करवाया था ऐड, होता था ऐड? नहीं होता, बड़ा मुश्किल है, नहीं होता वो, हमने बड़ी जुगाड़ी मारी उसके ऊपर। नॉर्मल एप्लीकेशन हो जाएंगी। अच्छा चलो आप इसका वे आउट बताओ, ये क्या वे आउट किया है डेटाबेस इंस्टॉल करने का, बजाय इससे कि आप डेटाबेस इंस्टॉल करो या डेटाबेस अटैच करो, आप स्क्रिप्ट फाइल्स बनाओ और स्क्रिप्ट किसी तरीके से चलवा दो उसके पीसी पे, शेल बना के, शेल पे या बैच फाइल बना के या कोई स्थानित करके। लेकिन अगेन वो भी 100% ये नहीं है कि श्योर के वो चल जाएंगे, कोई भी रीज़न की वजह से अगर वो फेल हो गई ना तो आपका सेटअप फेल हो जाएगा। अच्छा अब बताओ रिकमेंडेशन क्या है इसके लिए? मैनुअली कर लो भाई, उसको अलग अलग से एक यूज़र मैनुअल बना के दे दो, या डिप्लॉयमेंट के स्टेप्स लिख दो, या कोई और छोटा सा प्रोग्राम बना दो जो कि सिर्फ क्या करे उसके डेटाबेस को कनेक्ट करके उसमें डेटाबेस का स्क्रिप्ट तुम्हारा जो एप्लीकेशन के अंदर होगा ना, सेपरेट एप्लीकेशन के अंदर, वो चला देगा डेटाबेस में जाकर। उससे बोलो बस वो चला एप्लीकेशन स्टार्ट कर दे, एप्लीकेशन तुम्हारी क्या करे कि वो उससे क्रेडेंशियल पूछे डेटाबेस के, और डेटाबेस अंदर जाके तुम्हारा जो पूरी डेटाबेस क्रिएट करने का या मास्टर टेबल्स क्रिएट करने का या जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के जो भी स्क्रिप्ट है वो चला दो, ठीक हो गया। तो ये है मसले मसाइल। क्रिस्टल रिपोर्ट भी मैं इसीलिए नहीं पढ़ाता ना पसंद करता हूँ, क्योंकि यार उसमें इस तरह के इश्यूज हैं, यही क्या वो थर्ड पार्टी हो गया वो, बट पहले भी थर्ड पार्टी था, 2-3 दफ़ा बिका वो, पहले वो बिजनेस ऑब्जेक्ट्स या पता नहीं क्रिस्टल डिसीजंस वालों के पास था, अब आजकल वो सैप ने ले लिया, कुछ 7-8 साल हो गए उसको, हाँ पहले सीगेट वालों के पास था, फिर वो बिजनेस ऑब्जेक्ट और क्रिस्टल डिसीजंस पता नहीं कौन सी कंपनी थी उनके पास था, अभी इसको कोई 7-8 साल हुए SAP ने एक्वायर कर लिया, तो क्रिस्टल रिपोर्ट इज नाउ द प्रोडक्ट ऑफ SAP। ये जायंट्स ना यही करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को परचेज कर लेते हैं। अब स्काइप है, स्काइप माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट का अपना सॉफ्टवेयर था पता है, लिंक के नाम से, LYNC के नाम से, इंटरनल कोलेबोरेशन के लिए, लेकिन उसको लेके जाना था स्काइप फॉर बिजनेस के ऊपर, यानी कि मैं सुबह भी समझा रहा था ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के ऊपर, उन्होंने कहा यार लिंक को लेके जाएंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और लोग पता नहीं यूज़ करें नहीं करें ऑफिस एज अ ऑफिस प्रोडक्ट, उन्होंने कहा कि जो पहले से रिनाउंड हो ना वो खरीद लो, उन्होंने स्काइप खरीद लिया और चला अभी अपनी ही रहे हैं। स्काइप तो वो एक अलग चल रहा है पब्लिक सॉफ्टवेयर, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कॉर्पोरेट के लिए भी ले आए स्काइप, उसका नाम है स्काइप फॉर बिजनेस। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम, क्या हाल है साहब?
चीज का? खाने पे? खाने पे तो बहुत मुश्किल है, अभी तो मैं यहाँ यूनिवर्सिटी आया हूँ। हाँ, असल में थोड़ी तबीयत भी सेट नहीं है, मैं 3 दिन से लगातार खाना खा गया ना, कल रात को बड़ी पेट खराब हुआ, अभी घर जाके ना आज हल्का फुल्का खाना खाऊंगा। और आप कहिए सर? अल्लाह का शुक्र है। हाँ अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। आप पहुंच गए आराम से? कहाँ बैठे? हाँ चल अल्लाह का शुक्र, चल अल्लाह का शुक्र। चलो बात होती है बस, मैं फिर घर जाके बात करता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा आप लोगों को पढ़ने में आ रहा क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? ये मैं जरा जूम करूं। इसमें 2 लाइनें मजे की है, एक ही वाली और एक दूसरी आखिरी वाली। वो जो आपकी बात का जवाब जो मैं कह रहा था ना कि पहले था और अब नहीं है, स्टॉल शीट लिमिटेड एडिशन फॉर विजुअल स्टूडियो रिप्लेसेस द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द विजुअल स्टूडियो स्टॉलर। पहले विजुअल स्टूडियो स्टॉलर के नाम से आती थी वो फंक्शनैलिटी, अब वो स्टॉल शीट के नाम से दोबारा कर दी है। लेकिन आपके पुराने प्रोजेक्ट्स भी स्टॉलर शीट पे चल जाएंगे विजुअल डिप्लॉयमेंट के, वो ये कह रहा है इम्पोर्ट हो सकते हैं। फिर वो ये कह रहा है कि लिमिटेड एडिशन बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है 2010 और हायर वर्जन में। मुझे लाइन समझ में नहीं आया आखिरी वाली, अवेलेबल है तो मेरे पास क्यों नहीं है 2015 में? क्या वो ये कह रहा होगा कि डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले, ये कहना चाह रहा है? ठीक है, और किसी को कोई सवाल पूछना हो? एक क्वेश्चन मैंने, ये अपार्ट फ्रॉम एएमसी जनरल क्वेश्चन, कुछ कोड है मेरे पास जो मैं रिसीव कर रहा हूँ सर्किट्स की भी ऑडियो हो या जिडोनियम के जो है उसके अंदर से वो जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर काफी आ रहा था। ऐसा है सर स्टूडियो के अंदर हमारे पास फिर कन्वर्ट कर दे जावा टू वीबी? ये तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आर्डिनो के लिए और दूसरे के लिए उसका जो नया वर्जन है उस पर विंडोज 10 चलती है। आपको पता पता है? हाँ चल, वो जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है आर्डिनो नाम है, या उसका जो नया वर्जन है रेसबेरी है क्या कुछ वो पाई? अच्छा सेपरेट तो उस पे बाय डिफॉल्ट जो है ना वो विंडोज 10 हो जाती है, उस पे आपका डॉट नेट एप्लीकेशन चलती है। उसमें मैंने की नहीं है इस पे यार, ज़्यादा बेहतर आपको अदील बता सकते हैं, क्योंकि अदील ने प्रोजेक्ट्स वगैरह करवाए थे जिन यूनिवर्सिटी में जिसके ऊपर माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर दूसरी चीज़ों को बने बने प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट संडे आएंगे तो अपना सवाल ये उनके लिए रख लें सब लोग अच्छा के, कुछ उनसे भी तो पूछना नहीं पूछना। 4 घंटे में बहुत मुश्किल या सारी तसल्ली तशफी मुझसे करवानी है? अच्छा मेरा कंफर्म है ना, सर, हाँ कंफर्म है वो, आप कैसे कंफर्म करूंगा मैं? किससे? हाँ बात हो गई दिल्ली मेरी अदिल, बस अदिल का भी यही था कि यार वो कह रहा सुबह 9 बजे तक बच्चे आते नहीं है, मैं 10 बजे कर लो। फिर उसने कहा चले 10 बजे से 1 बजे कर लूँगा, तो मैं कुछ कोशिश कर करा के या तो क्लास यहाँ कर लेंगे हम अपनी वो अलग कर लेंगे जगह टॉपिक्स, या आप लोगों को मल्टीमीडिया दे दूंगा तो बड़ा वाली क्लास में अरेंज कर लेंगे, या फिर लैब में कर लेंगे, कुछ कुछ कर रिकॉर्ड लेंगे। भी तो करना ना सर यहाँ उनके पास है पे। सॉफ्टवेयर, अच्छा रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है उसके पास, नहीं होगा तो मैं दे दूंगा उसी वक्त ही। आप पहले रिकॉर्डिंग करवा लेना, मैं भी लिया सॉफ्टवेयर स्टॉक करवा लेना। 3 घंटे होंगे, बहुत है टाइम यार, 3 घंटे हो जाएंगे चीज़ आपके में, नहीं तो 1 बजे के बाद भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं अगर कोई मसला होगा तो, अगर आप लोगों के तसल्ली तो शफी नहीं होती हो।
ठीक है बस इतना रखते हैं क्लास को। मैं समझ मेरा गला भी बहुत सूख रहा है और तबीयत भी मेरी अजीब सी हो रही है आज। ये विजन स्टूडियो की अपनी कोई रिपोर्टिंग नहीं है? विजन स्टूडियो की अपनी रिपोर्टिंग क्रिस्टल रिपोर्ट के नाम से ही थी, अब जो है खत्म हो गई है, वो अलग से है, मतलब खत्म नहीं हुई है, थर्ड पार्टी है। यार इस पे जो है ना सीक्वल सर्वर की जो रिपोर्टिंग सर्विसेज है वो हम यूज़ करते थे, मतलब कर सकते हैं। मैंने कभी विजुअल स्टूडियो की जो ना रिपोर्टिंग सर्विसेज पे काम किया नहीं है, लेकिन और विजुअल वो विजुअल स्टूडियो का पार्ट नहीं है, वो सीक्वल सर्वर का पार्ट है, वो डेटाबेस का पार्ट है। डेटाबेस में ना तीन तीन कैटेगरीज हो गई है अब। एक कैटेगरी कहलाती है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि DBA का रोल होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। एक होता है डेटाबेस डेवलपर, जिसका काम होता है कि जी टेबल्स, क्यूरीज, व्यूज, कॉम्प्लेक्स क्यूरीज वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। एक एक और नई चीज़ है, नहीं तो नहीं, ये भी बहुत पुरानी चीज़ है, बिजनेस इंटेलिजेंस, जिसमें आप क्या करते हैं लाइक पैकेजेस बनाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, SSRS की एनालिसिस करते हैं, वॉल्ट बनाते हैं, क्यूब्स बनाते हैं, डेटा मार्ट बनाते हैं, डेटा क्या कहते हैं, डेटा वेयर हाउसेस बनाते हैं, ठीक है, ये सारे काम करते हैं। तो वो एक बिल्कुल अलग फील्ड है बिजनेस इंटेलिजेंस की। तो आपका जो सवाल है ना वो SSRS वाला या रिपोर्टिंग सर्विसेज वाला है, सीक्वल सर्वर वाला है, वो बेसिकली वो वाले BI वाले काम कर रहे होते हैं लोग, हो हैं लोग मार्केट के अंदर, काम हो रहा है, लेकिन बहुत कोई मतलब लिमिटेड लोग हैं ये लोग। लेकिन हाँ SSRS की जो सर्विसेज या रिपोर्टिंग सर्विसेज आप नेट से भी पढ़ के सीख के कुछ करना कुछ कर सकते हैं। कौन सी क्लास है आज? ASP में? कितने बजे क्लास थी? लेट हो गया थोड़ा। थोड़ा नहीं तो पूरे लेट हो गया तो। अब तो क्लास खत्म होने वाली है। PHP भी ले रहे हो? PHP का भी कोर्स खत्म हो गया। तो दो हफ्ते मजे नहीं आते उसके बाद अगले कोर्स में आते सीधे उसके .NET के। अब तुम्हें काम ही करना, 1 बजे एंड्रॉइड का सेमिनार है वो ले लो, और CCNA का भी सेमिनार है, किसी को पता? हो गया वो शायद। अभी तो मुझे किसी ने कहा आज, बल्कि सुबह हुआ है ना वो CCNA का, आज था सुबह। ये जो आपका विंडोज 2015 में यूनिवर्सल है हाँ। वो एंड्रॉइड पे भी चलेगा? नहीं एंड्रॉइड पे नहीं चलेगा, मोबाइल डिवाइसेस जो विंडोज मोबाइल डिवाइसेस है उन पे चलेगा।